जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में हम हेरॉन्स फार्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब ये लास्ट एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क में मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है? तो अभी ये प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन है, अ ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्राइंगुलर पार्क है एबीसी नाम का, जिसकी साइड्स दी है 120, 80 और 50। तो अभी मैं इतना ही पार्ट आपको बोर्ड पे निकाल के बता रहा हूँ। ये एक ट्राइंगुलर शेप का पार्क है, सपोज इसको हम एबीसी बोल रहे हैं। इसकी तीन साइड्स दी है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर की। आगे, अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है जिसका ये जो इस गार्डन में काम कर रहा है उसको इसके अराउंड में फेंसिंग करना है, ठीक है? अब हम सब जानते हैं कि फेंसिंग जो होगी वो बाउंड्री पे होगी, मतलब हमको यहाँ पे लेना देना पेरीमीटर से होगा। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इन साइड, और इसके अंदर में उसको ग्रास भी प्लांट करना है, जिसके लिए हमको एरिया पता करना पड़ेगा। वो पूछ रहा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितने एरिया में उसको ग्रास प्लांट करना पड़ेगा। सीधा सीधा उसने पूछ लिया एरिया कितना है। सेकेंड क्वेश्चन उसमें कंटिन्यू में है, फाइंड अ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, इसको फेंस करने के लिए कितना खर्च आएगा। विथ बार्ब्ड वायर, कांटों वाली तार से फेंसिंग अगर करना है तो कितना खर्च आएगा। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 पर मीटर, मैं रफ में अगर यहाँ पे रेट की बात करूँ तो आता है 20 रुपीज़ पर मीटर। पहले वीडियो में ही मैंने आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल पढ़ा दिया था, ठीक है? लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, अब उसको फेंसिंग तो करना है कांटों वाली तार से, लेकिन एक किसी भी एक साइड से उसको यहाँ पे 3 मीटर का पार्ट खुला छोड़ना है ताकि यहाँ पर वो गेट लगा सके। यहाँ पर उसको 3 मीटर का एक जगह खाली छोड़ना है ताकि वो वहाँ पर गेट लगा सके, ठीक है, आने जाने के लिए। बाकी सारी जगहों पे उसको फेंसिंग करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को यहाँ पे फेंसिंग करते वक्त जो पेरीमीटर निकालना है उस पेरीमीटर में से 3 मीटर छोड़ देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे वो गेट लगा सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी बी ए ट्राइंगुलर पार्क सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल टू 50 मीटर, AC is equals to B which is equals to 80 meter and BC is equals to C which is equal to 120 meter, ठीक है? तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम बोलेंगे therefore perimeter of triangle ABC is equal to 50 plus 80 plus 120। यहाँ पर इनको अगर आप प्लस करते हो तो ये आएगा 200 और ये 250। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने 3 मीटर माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे एरिया निकालना है, एरिया के लिए पूरा पेरीमीटर चाहिए, वहाँ पे गेट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम फेंसिंग की बात करेंगे तब हम ये 3 मीटर माइनस करेंगे, अभी तो हमको पूरा पेरीमीटर चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब पेरीमीटर से हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, लेट एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू पी बाई टू यानि 250 बाई 2 यानि 125 मीटर। 125 मीटर, ये 250 है, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय हेरॉन्स फार्मूला। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछले फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में अब आपको हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना और सॉल्व करना थोड़ा इजी जा रहा होगा, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस का वैल्यू रखेंगे 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 120। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 125 को क्या मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब 125 में से 50 गए तो ये आएगा 75, 125 में से 80 गए तो ये बचेगा 45, 125 में से 20 गए बचेगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे दो बार 5 ऑलरेडी आ चुके हैं तो एक बाहर ले लिया। 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। अंदर ब्रैकेट में 75 है तो 75 को अगेन मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख रहा हूँ क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 45 में एक बार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 45 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है वो बाहर आएगा, तब तक इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 25 इसका स्क्वायर रूट 5 आया, ये दो थ्रीज में से एक थ्री बाहर आएगा। अब ये 5 और 3 के साथ कोई पेयरिंग है नहीं तो वो अंदर फिर से आ जाएगा, दैट इज़ 15। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 फाइव ज़ा 125, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 कम्स आउट टू बी 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में धनिया जो है वो ग्रास प्लांट करेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर धनिया विल प्लांट द ग्रास इन 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब हम फेंसिंग की बात करते हैं कि इसको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा कांटों वाली तार यानी बार्ब्ड वायर लगाने के लिए। ओके, सो आई एम रबिंग इट फॉर यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं फेंसिंग के लिए। तो पहले आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 मीटर, क्योंकि ये गेट का एरिया है जो हमको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 250, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस 3 इज इक्वल टू 247 मीटर पे उसको फेंसिंग करना है। रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर, 1 मीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 20 मीटर। तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू, क्या रहेगा, रेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का लेंथ। तो रेट आ रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 247। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 2 8 7 14, कैरी 1 2 4 8 9, 2 2 4 और ये 0 रुपीस। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है 4940। तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट, तो लिखा ही है तो डबल लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगेन होमवर्क कि आप ये पहले प्रॉब्लम फिर से एक बार बिना देख के सॉल्व करके देखो। ठीक है, अभी नेक्स्ट होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 12.1। आई नो आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक नहीं है, इसीलिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक का पेज शो कर रहा हूँ। आप इस पेज का या इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपके पास में क्वेश्चन रहे, फिर आप उसमें से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप इसको सॉल्व करोगे। अगले वीडियोज़ में मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, जो मुझे लगता है कि मुझे बताने चाहिए, जो आपको आ सकते होंगे उसका मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है,
तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट अभी लेने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपको ये, हाँ अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जूम करके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो 12.1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आप देख सक रहे हो। नेक्स्ट पार्ट बाजू के पेज पे है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाइज सॉल्व करके रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करके दूंगा, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम काफ़ी इजी है और आप सभी ने वो सॉल्व कर लिया होगा। तो वहाँ पे मैं जस्ट आपको उसका आंसर बता दूंगा या फिर मैं आपको आउटलाइन बता दूंगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझा है फिर भी या नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट करके बता सकते हो, मैं देख लूँगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन था अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को समझो, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देता हूँ क्योंकि मैंने उसको रीड किया है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर शेप का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसका साइड ए सेंटीमीटर है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी सारी साइड्स ए यूनिट्स की होती है, ठीक है। अब हमको हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से उसका एरिया पता करना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 होता तो फिर उसका एरिया कितना आएगा। मतलब हमको यहाँ पे एक बार एरिया जनरल फॉर्म में निकाल के देना है और दूसरी बार में हम लोगों को वो एरिया यूजिंग पेरीमीटर 180 निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम जनरल फॉर्म वाला पार्ट करते हैं। सपोज़ एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, जिसकी तीनों साइड्स हैं ए यूनिट की, ओके। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया है। आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक कई वीडियो में बताया होगा आपको कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम हेरॉन्स फॉर्मूला से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर यही आएगा, और बाद में इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम नंबर वाइज यानी पेरीमीटर का यूज़ करके 180 सेंटीमीटर यूज़ करके फिर एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी इनडायरेक्टली उसने बोला है कि आप ये फार्मूला को डिराइव करके दो यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, ठीक। तो अभी आप ये फार्मूला को याद रखिए, मैं यही फार्मूला अभी हेरॉन्स फार्मूला से बनाऊंगा। लिखने के लिए हम इसको डिटेलिंग करेंगे। लेट ट्राइंगल ए बी सी रिप्रेजेंट्स एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड्स, विथ ईच साइड इक्वल टू ए यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयर फोर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 3A यूनिट, ओके। अब पेरीमीटर अगर 3A है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो हम कहेंगे लेट एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 3A/2 यूनिट, ओके। देयर फोर बाय हेरॉन्स फॉर्म्यूला
therefore by Heron's formula, area of triangle ABC is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C is equal to under root S आएगा 3A by 2, यहाँ पर आएगा 3A by 2 minus A. अभी B और C का भी वैल्यू A ही रहने वाला है क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर यही सेम ब्रैकेट तीन बार हो जाएगा. मैं एक बार आपके लिए करके बताता हूँ. अगेन S का वैल्यू 3A by 2 minus B के जगह भी मैं A ही लिखूँगा क्योंकि तीनों भी साइड्स सेम हैं. यहाँ पे फिर से 3A by 2 minus A, ठीक है. अब यहाँ पर 3A by 2 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3A minus 2A divided by 2. हर ब्रैकेट में वैसा ही आएगा तो मैं यहाँ पे रेज़ टू द पावर 3 ले लेता हूँ, ठीक है. अब अगर इसको आगे आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 3A by 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 3A minus 2A is A divided by 2 raised to the power 3. अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके अब लिखता हूँ यहाँ पर तो इस तरह से आएगा 3A by 2 मल्टीप्लाइड बाय ये तीन बार A by 2 into A by 2 into A by 2, ओके. अब आप पेयर बना के एक एक बाहर निकालो. ये 2 में से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 में से एक 2 बाहर आएगा. यहाँ पर दो A's हैं उसमें से एक A बाहर आएगा. यहाँ पर दो A's हैं इसमें से एक A बाहर आएगा. 3 के साथ में कोई पेयर नहीं है इसलिए वो अंडर रूट 3 ही रहेगा. तो सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से बता दूँ. ये दो 2's में से एक 2 बाहर आया, ये दो 2's में से एक 2 बाहर आया, ये दो A's में से एक A बाहर आया, ये दो A's में से एक A बाहर आया. 3 के साथ में यहाँ पेयरिंग में कोई नहीं था तो यहाँ पे रूट 3 जैसे का वैसा. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो a मल्टीप्लाइड बाई a विल बी a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 4 एंड दिस इज़ रूट 3. अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो रूट 3 पहले आएगा, 4 डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई आएगा a स्क्वायर. तो अभी आपका ये आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ रूट 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर. अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके फर्स्ट पार्ट पे जाओ, स्टार्टिंग टाइम में जाओ, तो आपको दिखेगा मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, रूट 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर दैट इज़ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, ठीक है. तो इसी से वो फॉर्मूला बना हुआ है. हमको यहाँ स्पेसिफिकली हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा गया था, मैंने हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ किया. ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एग्जाम के टाइम पे. तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप ये प्रॉब्लम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार फिर से एक बार थॉरली इसको अच्छे से वीडियो को देख के समझो, और उसके बाद आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये प्रॉब्लम आपको बिना देख कर यहाँ तक के सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है. अब इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ यूजिंग द पेरीमीटर, ठीक है. तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है. तो हमारा स्क्रीन क्लीन हो गया है अभी यहाँ पे बोर्ड. अब हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो अभी अभी हमने निकाला था वो था रूट 3 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर. अब आप यहाँ पे बोलोगे नाउ बाय गिवन कंडीशन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. पेरीमीटर आता है 3 टाइम्स ए बिकॉज ऑल दी साइड्स आर इक्वल is equal to 180. So A would be equal to 180 divided by 3, that is 60 centimeter. अब हम ये वाली वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूला में रख देंगे, यानी अब हमको फिर से हेरॉन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमने जनरल फॉर्म में एक बार लगा दिया था, अब उसी का यूज़ करके, क्योंकि दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम, देयरफॉर वी कुड यूज़ दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, ओके. सो नाउ हम यहाँ पे बोलेंगे therefore area of triangle ABC is equals to root 3 by 4 into A square is equal to root 3 by 4 multiplied by 60 square. अब ये solve कैसे होगा,
तो यहाँ पे हम लोग 60 स्क्वायर को 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 भी लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप स्किप करने के लिए यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो ये आएगा 4 1 4 15 60, ना 15 6 90, तो दैट वुड बी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर व्हेन द पेरीमीटर वाज यूज्ड एज 180 सेंटीमीटर। अब अगर आप एनसीईआरटी के पीछे से आंसर अगर वेरीफाई करते हो तो इसका आंसर आपको शायद डेसिमल पॉइंट में दिया हो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 900 इंटू रूट 3 का वैल्यू यूज़ किया होगा 1.73 समथिंग एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वैल्यू कभी यूज़ ना करो अनलेस एंड अंटिल इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो और यू माइट नॉट नो बट यू विल बी नोइंग इन दी फर्स्ट लेसन व्हेन यू लर्न दी फर्स्ट लेसन के रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ परफेक्ट वैल्यू। सो वी नेवर नो दैट वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 3। इट माइट बी 1.7, इट माइट बी 1.73, इट माइट बी 1.732 और इट मे बी समथिंग विच नेवर एंड्स। तो हम नहीं जानते हैं कि इसका फाइनल वैल्यू कितना आएगा, तो हम यहाँ पे अपने मन से वैल्यू ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको रूट 3 का वैल्यू यूज़ करना है तब आप यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। जो मैंने आपको होमवर्क बताया है बीच वीडियो में वो आपको करना है। अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। सो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।